ओके तो गाइस माइनक्राफ्ट में 8 ऐसे अलग अलग ओर्स होते हैं जो आपके किसी ना किसी काम पे तो आ ही जाएगा। तो जिसमें से है भाई कोल, कॉपर, आयरन, गोल्ड, रेडस्टोन, लैपिस, एमरल्ड, डायमंड एंड एंशिएंट डेब्री। इनमें से कोई भी आप किसी भी ले लो भाई, किसी को भी ले लो, किसी और को भी ले लो, जैसे कि कोल हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, रेडस्टोन हो गया, लैपिस हो गया, एमरल्ड हो गया, डायमंड हो गया, एंशिएंट डेब्रीज हो गया। तो इन सब ओर्स को आप कैसे इजिली फाइंड कर सकते हो, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कोल की। तो कोल नॉर्मली Y136 से Y59 के अंदर जो है जनरेट होता है। तो अगर आप नॉर्मली कोल को फाइंड कर रहे हो, करना चाह रहे हो, तो वही एक काम करना, आप अपने वर्ल्ड को जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, देखना आपको माउंटेन बायोम वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो आप वहां पे चले जाओ, वहां आप देखना, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, ठीक है, माउंटेन्स वगैरह को देखना, आपको भर भर के वहां पे कोल मिल जाएगा। अगर आपको और भी ज्यादा मात्रा में जो है कोल चाहिए, तो आप एक काम करना, अपने साथ जो है फॉर्चून 3 का पिकेक्स लेके जाना, उसे तोड़ना, आपको भर भर के जो है मतलब मिल जाएगा कोल। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करने के बजाय जो है माइनिंग करने के दौरान कोल को फाइंड करना चाहते हो, तो आप एक काम करना, माइनिंग के दौरान अगर आपको कोई भी केव दिखे तो आप वहां पे चले जाओ, थोड़ा सा जो है आसपास देखोगे तो आपको इजीली कोल दिख जाएगा। भाई ये सबसे ज्यादा इजी तरीका है भाई कोल फाइंड करें, मतलब कोल जो है वो आपको भर भर के कहीं ना कहीं पे तो मिल ही जाएगा। ये कोई रेयर टफ नहीं है, रेयर जो है कोई आइटम नहीं है कोल, मतलब ये जो कोल है आपको कहीं ना कहीं पे तो मिल ही जाएगा। अगेन ज्यादा कोल चाहिए तो फॉर्चून 3 का पिकेक्स यूज करना मत भूलना। आगे बात करते हैं, अगला है हमारा कॉपर। कॉपर जो है वो Y-47 से Y-0 इसके बीच में जो है जनरेट होता है ज्यादा मात्रा में। लेकिन अगर आप किसी माउंटेन पे चले जाओगे ना, तो वहां पे चांसेस ज्यादा रहेगा कॉपर के मिलने का। तो आप एक कोशिश करना, फॉर्चून 3 का पिकेक्स को अपने से दूर मत करना, क्योंकि फॉर्चून 3 का पिकेक्स अगर आपके पास होगा तो आपको ज्यादा मात्रा में कॉपर ऐसे मतलब जो है ओर्स आपको मिल जाएंगे, मतलब कॉपर जो है आपको ज्यादा मात्रा में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आयरन को आप कैसे फाइंड करोगे। तो जब से भैया 1.19 का अपडेट आया ना, तब से भाई आयरन मिलना और भी ज्यादा आसान हो गया। तो नॉर्मली जो है आयरन Y-232 से Y-8 इसके अंदर जो है जनरेट होता है, ज्यादा आयरन मिलने के चांसेस तो भैया माउंटेन्स में, तो माउंटेन्स में चले जाओ। फॉर्चून 3 का पिकेक्स फिर भी बोल रहा हूँ भाई, फॉर्चून 3 का पिकेक्स अपने से दूर मत करना, उससे आयरन के ओर को तोड़ोगे तो आपको आयरन, रॉ आयरन जो है ना वो भर भर के मिलेगा भाई। लेकिन अगर आपको कोई भी माउंटेन्स वगैरह नहीं दिखता है, तो आप एक काम करना, Y-0 पे चले जाओ, माइनिंग करो भाई, आपको आयरन के ओर जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए भैया आपको कड़ी तपस्या करनी होगी भाई, ठीक है, माइनिंग करना होगा आपको, समझ रहे हो ना। माइनिंग के दौरान आपको हो सकता है चांसेस है, लेकिन कड़ी तपस्या करनी होगी, समझ रहे हो ना। बट पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा कि भैया थोड़ा सा पापड़ बेल के ना एक आयरन का फार्म बना लो, थोड़ा सा पापड़ बेलोगे तो आपको उसके बाद देखना घंटे हर घंटे जो आपको भर भर के आयरन मिल रहा है भाई, उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा आपको। खैर तो भैया आगे बढ़ते हैं, अगला है भैया हमारा गोल्ड। तो देखो नॉर्मली जो है गोल्ड हमारे वर्ल्ड पे Y-32 से लेके Y-16 इसके बीच में जो इसके अंदर जो है गोल्ड के ओर जनरेट होता है, बट सबसे ज्यादा मात्रा में जनरेट होता है बैटलैंड्स बायोम में। मतलब अगर आप बैटलैंड्स बायोम में कहीं पर भी चलोगे ना, मतलब जाओगे, वहां आपको गोल्ड के और ऐसे दिखेंगे कि भैया कुछ भी नहीं है यहाँ पे रेयर की चीज, मतलब यहाँ पे गोल्ड मिलना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आप अगर गोल्ड ढूंढ रहे हो तो या तो आप बैडलैंड्स वैम में चले जाओ, वहां पे इजीली आपको मिल जाएगा, या फिर आप एक काम करना नेदर में चले जाओ भाई। आप एक काम करना नेदर में जाओगे तो नॉर्मल मतलब फॉर्चून 3 पिकेक्स अगर तोड़ोगे तो आपको जो है नगेट्स मिलेंगे, लेकिन हाँ ज्यादा मात्रा में मिलेगा। लेकिन अगर आप नगेट्स लेना नहीं चाहते हो, तो आप एक सिल्टज वाले पिकेक्स को लेके जाओ, वहां पे जो है तोड़ोगे तो आपको एक मतलब जो उसका ब्लॉक है ना, ब्लॉक ही आपको मिल जाएगा। उसको अगर आप बेल्ट करोगे तो आपको डायरेक्टली आयरन के इंगट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ गोल्ड इंगट ही चाहते हो, तो आप एक काम करना, एक गोल्ड फार्म बना लो भाई, थोड़ा पापड़ आपको बेलना होगा, उसके बाद देखना आपको भर भर के गोल्ड मिल रहा है भाई, आपको उसके लिए कुछ करना भी नहीं पड़ेगा भाई। खैर तो भैया अब आगे बढ़ते हैं, अगला है भैया हमारा एमरल्ड। तो नॉर्मली इसके ओर को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन जब से भैया 1.19 ने कदम रखा है ना माइनक्राफ्ट में, तब से भैया ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब आसान हो गया है इसको फाइंड करना। और इसके लिए भैया आपको सबसे पहले तो इसको ढूंढने के लिए आपको माउंटेन्स वाली वायम में जाना होगा, वहां आपको ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको तोड़ोगे तो आपको एमरल्ड मिल जाएगा, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। एमरल्ड तो भैया आप विलेजर से ट्रेड करके भी ले सकती हो, लेकिन अगर आप किसी माउंटेन में जाके एक्सप्लोर करने के दौरान आप अगर एमरल्ड के ओर जो है वो आप फाइंड करना नहीं चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि माइन करने के दौरान जो है हमें मिले, तब तो भैया थोड़ा बहुत मुश्किल है भाई उसे फाइंड करना, हो सकता है आपको ना भी मिले। तो आप एक काम करना, माउंटेन वाली वायम में चले जाना, वहां पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा, आपको एक्सप्लोर करोगे तो आपको जो है मिल जाएगा आयरन मतलब एमरल्ड के। लेकिन अगर आप सिर्फ एमरल्ड चाहते हो तो भैया जाओ किसी विलेजर के पास, उससे ट्रेड करो, आपको भर भर के जो है वहां से एमरल्ड मिल जाएगा। अब आते हैं भैया हमारे रेडस्टोन वाले भाई साहब के ऊपर। तो रेडस्टोन नॉर्मली Y-14 से लेके Y-59 के अंदर मतलब बीच में जो है जनरेट होता है। तो इसके बीच में जो है कहीं पर भी आप माइन करो, या फिर किसी केव में चले जाओ और वहां पे जो है एक्सप्लोर करो केव को, आपको रेडस्टोन जो है भर भर के दिख जाएंगे, ठीक है। और भाई
भाई साहब क्लेरिक विलेजर जो है ना उससे भी हम लोग ट्रेड करके रेड स्टोन ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं लापिस लजूली के ऊपर। ये नॉर्मली वाई लेवल 64 से वाई लेवल 0 के अंदर जो है मतलब बीच में जनरेट होता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप खुदाई करना होगा भाई। इसके बीच में कहीं पर भी आप जाओगे तो आपको जो है लापिस लजूली के जो ब्लॉक है वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा प्रेफर करूंगा कि भैया वाई लेवल जो है 0 पे जाके आप माइन करोगे तो आपको ज्यादा चांसेस रहता है कि लैपिस के जो ब्लॉक है वो आपको जल्दी जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज्यादा चाहिए तो और को तोड़ते समय फॉर्चून 3 का पिकेक्स को यूज करना मत भूलना। और एक मजे की बात बोल रहा हूँ कि भैया ये भी ना आप क्लियरिंग विलेजर से ट्रेड करके भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा, एक एमरल्ड के बदले में आपको वो देगा भाई बस एक लैपिस डायमंड। तो डायमंड बेसिकली वाई लेवल 16 से लेके वाई लेवल -59 इसके बीच में जो है जनरेट होता है। सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि आप वाई लेवल -58 पे जाओ और जाके माइन करो, या तो आप स्ट्रिप माइन कर सकते हो या फिर स्ट्रिप माइन दो ब्लॉक तोड़ो और फिर स्ट्रिप माइन करो, मतलब एक बार स्ट्रिप माइन करो उसके बाद दो ब्लॉक को छोड़ के जो है स्ट्रिप माइन करो, मतलब एक बार राइट साइड पे माइन करो एक बार लेफ्ट साइड की ओर माइन करो, तो आपको जो है डायमंड तो मिलेगा, इतना तो मैं पक्का कह सकता हूँ। लेकिन कब तक जो है मिलेगा सबसे ज्यादा मात्रा में तो वाई लेवल -58 पे जो मिलता है स्ट्रिप माइनिंग के दौरान, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी केव में जाओगे और वहां पे जाके जो आप मतलब सर्च करोगे एक्सप्लोर करोगे तो आपको भर भर के मिल जाएगा भाई। बस नाइट विजन के पोशन लेके जाओ, थोड़ा सा खाना लेके जाओ, तगड़ा आर्मर थोड़ा सा अगर नहीं है तो थोड़े बहुत आर्मर पहन लो, एक अच्छा खासा वेपन लेके चले जाओ वहाँ पे भाई, हो गया काम आपका। वहाँ पे जो आपको भर भर के जो है देखने को मिल जाएगा डायमंड के। और भी अगर आप इसी तरीके जानना चाहते हो डायमंड्स को पाने का तो आई बटन पे क्लिक करके एक वीडियो आपको वहाँ पे मिलेगा तो उसको देख लो। तो अब हम बात करेंगे एंशिएंट डेब्रिस पे। देखो वीडियो के चलते भाई हम लोग लास्ट वाले ओर पे हम लोग आ गए, लेकिन अब तक हमने लाइक नहीं करा वीडियो को। क्या कर रहे हो इतनी देर तक देख रहे हो? आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो भाई वीडियो को जाके एक लाइक कर दो यार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन पे सेट कर लो ताकि ऐसे वीडियोस आते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बट अभी जो चलो बात करते हैं हम लोग एंशिएंट डेब्रिस को जो कैसे फाइंड करेंगे इजीली, इजी तरीके से। नेदर में जाने के बाद वाई लेवल 14 पे चले जाओ भाई, जाके माइन करो, या तो स्ट्रिप माइन करो या फिर बेड इस्तेमाल करो या फिर गन पाउडर से TNT बना के TNT इस्तेमाल करो, आपको वहां पे जो है एंशिएंट डेब्रिस मिल जाए। सबसे ज्यादा मात्रा में वाई लेवल 14 पे मिल जाता है एंशिएंट डेब्रिस, लेकिन अक्सर जो है किस्मत अगर साथ नहीं देता है तो आपको नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप TNT इस्तेमाल करोगे तो आपको जो है भर भर के मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप ट्रेजर बास्टियन जो है वहां पे जाके जहां पे मैग्मा स्पॉनर होगा, ठीक है, वहां पे एक चेस्ट होगा, अगर आप उसको चेकआउट करोगे तो आपको वहां से नेदरराइट इंगट भी मिल सकता है। चांसेस रहता है नेदरराइट इंगट भी वहां पे होगा, डायमंड भी वहां पे होगा। आप जाके जो है जहां पे मैग्मा स्पॉनर होगा वहां पे जाके एक बार बॉक्स को जो है बक्से को खोल के देखना, वहां पे जो है नेदरराइट इंगट वो मिल सकता है। लेकिन ये जो है तरीका, ये तरीका थोड़ा सा खतरनाक है। आप एक कोशिश करना, एक गनपाउडर फार्म बना लेना, गनपाउडर फार्म बनाने के बाद TNT कुछ बना लेना, वाई लेवल 14 पे जाके तबाही मचा देना। आपको एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिले तो भाई नाम बदल देना मेरा। और अगर आप और भी इजी तरीका जानना चाहते हो एंशिएंट डेब्रिस को कैसे फाइंड करना है तो भैया आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख लो भाई, वहां पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है तो उसको देख। तो गाइस ये था हमारे ओर्स को फाइंड करने का सबसे इजी तरीका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके भी बोल सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो भैया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन पे सेट जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।